न्यूक्लियर फिजिक्स के इस लेक्चर में सिंटिलेशन काउंटर को डिस्कस करेंगे। सिंटिलेशन काउंटर को हम स्टेप्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो होगा इसका क्या यूज होगा, सेकंड जो स्टेप होगा किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करेगा, थर्ड स्टेप में इसको हम बनाएंगे कैसे, फोर्थ स्टेप के अंदर ये काम कैसे करेगा और लास्ट स्टेप के अंदर इसके एडवांटेज क्या हैं, इन सब को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि सिंटिलेशन काउंटर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। सिंटिलेशन काउंटर की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमें पता है इस यूनिवर्स के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट आउट करते हैं। वो रेडिएशंस को इमिट आउट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल से स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, तो वो रेडिएशंस को इमिट आउट करते हैं। और वो जो रेडिएशंस इमिट आउट हो रहे हैं वो अल्फा पार्टिकल भी हो सकते हैं, वो बीटा पार्टिकल भी हो सकते हैं। तो हमें इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिट होने वाले रेडिएशंस को ये जानने की कोशिश की कि वो किस रेट से इमिट हो रहे हैं। हमें उन रेडिएशंस को काउंट करने की जरूरत पड़ी और काउंट करने के लिए हमें काउंटर्स को डेवलप करना पड़ा। और इन्हीं काउंटर्स की सीरीज के अंदर आज का जो हमारा काउंटर है वो है सिंटिलेशन काउंटर। मींस इसका मतलब यूज तो हमें इसका पता चल चुका, सिंटिलेशन काउंटर क्या काम आएगा। सिंटिलेशन काउंटर कैन बी यूज टू डिटेक्ट और मेजर एनर्जेटिक पार्टिकल दे आर इमिटिंग फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। उनको ये डिटेक्ट करने के और मेजर करने के काम आएगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से किस रेट से अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहे हैं, किस रेट से बीटा पार्टिकल इमिट कर रहे हैं, उनको हम डिटेक्ट करेंगे और मेजर करेंगे सिंटिलेशन काउंटर की हेल्प से। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखना हमें, सिंटिलेशन काउंटर कैन बी यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर एनर्जेटिक पार्टिकल, वो दे आर कॉल्ड आइदर अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। इतना हमें लिखना है। इसके बाद ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करेगा, इसके प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री को स्टडी करना पड़ा। और जब हम इसकी हिस्ट्री को स्टडी करने लगे तो हमें पता चला सबसे पहले 1903 के अंदर एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था क्रूक्स इज द साइंटिस्ट, और दूसरे इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे, वो जर्मन साइंटिस्ट थे और उनका नाम था गाइटल इज द साइंटिस्ट, और ये दोनों कंबाइंड वर्क नहीं कर रहे थे, मींस ये इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे थे। तो उन्होंने इंडिपेंडेंटली यह प्रपोज किया था और जो प्रपोज उन्होंने किया वो हमें यह बताया कि फ्लैशेस इमिट आउट करेंगी, मींस फ्लैशेस आर इमिटिंग, कब इमिट करेंगी, व्हेन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक ऑन जिंक सल्फेट स्क्रीन, मींस जब जिंक सल्फेट स्क्रीन के ऊपर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो उसमें से फ्लैशेस इमिट आउट करेंगे। और उन फ्लैशेस को हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। तो ये जो जिंक सल्फेट की स्क्रीन है, ये कैसा मटेरियल है जिंक सल्फेट, ये हमारे पास एक ल्यूमिनिसेंट मटेरियल है। इसका मतलब ल्यूमिनिसेंट मटेरियल की एक प्रॉपर्टी हो गई, जब उसके ऊपर एनर्जेटिक पार्टिकल इंसिडेंट करेगा तो वो मटेरियल अपने अंदर से फ्लैशेस को इमिट आउट करेगा। इन्हीं फ्लैशेस को सिंटिलेशन का नाम दिया गया था। इसके बाद 1900 इन्होंने तो सिर्फ प्रपोज वर्क दिया, इन्होंने
अपने वर्क को पेटेंट नहीं करवाया। इसके बाद 1908 के अंदर जर्मनी के ही एक साइंटिस्ट आए थे और उनका जो नाम था वो था रिग्नर इज द साइंटिस्ट। रिग्नर ने हमें ये रिग्नर ने क्या किया था, रिग्नर ने उन अल्फा पार्टिकल को काउंट करने का फर्स्ट अटेम्प्ट लिया था और उन्होंने मींस जब जो फ्लैशेस इमिट आउट कर रहे हैं उन फ्लैशेस को उन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व किया और मेजर करने का काम किया था जो फ्लैशेस किससे इमिट आउट हो रहे थे, ल्यूमिनिसेंट मटेरियल से, वो जिंक सल्फेट भी हो सकता है, हमें पता है डायमंड से भी क्या है फ्लैशेस इमिट आउट होते हैं। तो रिग्नर ने डायमंड से जो फ्लैशेस इमिट आउट कर रहे थे उन फ्लैशेस को काउंट करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। लेकिन उस टाइम के ऊपर हाई रिजोल्विंग पावर माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल नहीं थे, तो हाई रिजोल्विंग पावर माइक्रोस्कोप्स की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण उन्होंने क्या बताया कि वो एग्जैक्ट काउंट नहीं कर पा रहे माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से। तो कुछ कुछ हमें पता चला जो ये हमारा सिंटिलेशन काउंटर है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करेगा। हम इसके प्रिंसिपल को पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं बताना चाह रहा हूं, हमें पेपर में क्या लिखना है, सिंटिलेशन काउंटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन एनर्जेटिक पार्टिकल इंसिडेंट ऑन एनी ल्यूमिनिसेंट मटेरियल देन ल्यूमिनिसेंट मटेरियल प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑफ लाइट एंड दीज फ्लैशेस ऑफ लाइट आर कॉल्ड द सिंटिलेशन। और जो मटेरियल द और वो मैं जो वो मटेरियल द मटेरियल विच इमिट दीज फ्लैशेस आर कॉल्ड द सिंटिलेटर, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉस्फोर्स भी बोल सकते हैं। मींस हमें प्रिंसिपल को कंसेप्ट क्लियर करना है तो हम पेपर में क्या लिखेंगे, सिंटिलेशन काउंटर दैट इज बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल That emit flashes of light when energetic particle incident on any luminescent material, and these flashes of light are called the scintillation, and the material which emit these flashes, these material are called scintillators or phosphors. तो ये हमारा इसका principle है, इतना ही हमें लिखना है। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, इसकी वर्किंग पार्ट के ऊपर जाना चाह रहे हैं। इसका मतलब जो इसकी वर्किंग पार्ट है, हमने सिंटिलेशन काउंटर को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया। सबसे पहले मैं ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से आपको बता दूं, जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा है यहां तक, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिंटिलेशन काउंटर इज सिंटिलेटर। सिंटिलेटर क्या चीज है अभी हम बात करेंगे। सिंटिलेटर जो है वो किस चीज से बना है, वो ल्यूमिनिसेंट मटेरियल से बना होगा और उस ल्यूमिनिसेंट मटेरियल को हम एक एनवलोप, वो एनवलोप जो किस चीज का बना होगा, एल्यूमिनियम का बना होगा और उसकी वॉल्स कैसी होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिंग होनी चाहिए। मींस जैसे हमने लिफाफा देखा है, लिफाफा एक साइड से तो क्या होता है, ओपन होता है और बाकी तीनों साइड से क्या होता है, बंद होता है। इसका मतलब हमें ल्यूमिनिसेंट मटेरियल को एक एनवलोप के अंदर, और वो एनवलोप किसका बना होना चाहिए, दैट एनवलोप इज मेड ऑफ ए एल्यूमिनियम एंड हुज वॉल्स आर टू बी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होनी चाहिए। तो हमारे पास ये सिंटिलेटर होगा, मीन्स सिंटिलेटर कंसिस्ट ऑफ ए ल्यूमिनिसेंट मटेरियल एंड दैट मटेरियल प्लेस्ड इनसाइड ऑफ एनवेलप ऑफ द एल्यूमिनियम एंड हुज वॉल आर टू बी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिंटिलेशन काउंटर। और इस सिंटिलेटर से पहले हमें क्या लेना होगा, एक सोर्स लेना होगा।
वो सोर्स क्या करेगा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सोर्स होगा, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट आउट करेगा, और वो रेडिएशंस मींस अल्फा पार्टिकल भी हो सकते हैं, वो बीटा भी हो सकते हैं, वो जब सिंटिलेशंस के सिंटिलेटर के ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिंटिलेशंस मिलेंगे, फ्लैशेस मिलेंगे, यहां पे हमें क्या मिलेंगे, सिंटिलेशंस मिलेंगे। सिंटिलेशंस मिलेंगे यहां पर, और यहां पर जो सिंटिलेशन मिलेंगे हमें, तो उन सिंटिलेशंस को अब हमें करना क्या है, तो हम इस सिंटिलेशंस का क्या करेंगे, वो हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो एक फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होगा, और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब की डिस्कवरी 1945 के अंदर हुई थी, और फोटो मल्टीप्लायर जो ट्यूब है वो किस कैसे बनी हुई है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को मैं यहां पे अंडरस्टैंड करवा रहा हूं। ये वो जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है उसका ये जो लेफ्ट हैंड है, इस लेफ्ट हैंड के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर, वो ट्रांसपेरेंट लेयर किस मटेरियल की होनी चाहिए, वो हमारे पास सीजियम, ये जो मैं बोल रहा हूं ये किसकी, सीजियम एंटीमनी, इस मटेरियल की होनी चाहिए हमारे पास ये सीजियम एंटीमनी। इस मटेरियल की लेयर इस लेफ्ट एंड के ऊपर फोटो मल्टीप्लायर के डिपॉजिट होनी चाहिए, और ये लेयर जो इस मटेरियल की है वो कैसा एक्ट करेगी, कैथोड की तरह एक्ट करेगी। इसके बाद ये फोटो मल्टीप्लायर जो ट्यूब है इसके अंदर कम से कम, ये मैं जो दिखा रहा हूं D1, D2, D3, D4, D5 और ऐसे D14, 10 टू 14 होंगे। इन D1, D2, D3, D4 को मैं नाम दे रहा हूं डायनोड्स का नाम दे रहा हूं, और ये डायनोड्स का नाम क्यों दे रहा हूं, ये एक इलेक्ट्रोड है यहां पर, और इस इलेक्ट्रोड का ये ऊपर सरफेस हमने एक ऐसे मटेरियल से कोट करना है, उस मटेरियल का जो है कोफिशियंट, सेकेंडरी आयोनाइजेशन कोफिशियंट उस मटेरियल का क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इसका मतलब हमें इन डायनोड के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट करनी पड़ेगी, वो लेयर किसकी हो सकती है, सीजियम एंटीमनी भी हो सकती है, वो लेयर किसकी हो सकती है, वो लेयर सिल्वर मैग्नीशियम की भी हो सकती है। हम इस मटेरियल की भी लेयर को डिपॉजिट कर सकते हैं, ये हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से मटेरियल का सेकेंडरी आयनाइजेशन कोफिशियंट हाई है, उस मटेरियल को लेना है और उस मटेरियल को इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर एक लेयर लगा देनी है। तो ये मैं क्या कह रहा हूं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कंसिस्ट ऑफ 10 टू 14 डायनोड, और इन डायनोड्स को हमें कैसे रखना है, इसको मैं दे रहा हूं +100 वोल्ट, इसको मैं दे रहा हूं +200 वोल्ट, इसको मैं दे रहा हूं +300 वोल्ट, इसको मैं दे रहा हूं +400 वोल्ट, ऐसे मैं प्लस के अंदर दे रहा हूं। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इन डायनोड को इंक्रीजिंग ऑर्डर में पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा हूं, और वो पोटेंशियल कैसा प्रोवाइड कर रहा हूं, पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा हूं, मींस इन दीज डायनोड आर अप्लाइड एक्सेलरेटिंग इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल, और जो लास्ट डायनोड ऑफ दैट फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब दैट इज टू बी एक्ट एज एनोड, ये कैसा एक्ट करेगा, एनोड की तरह एक्ट करेगा। ये मेरा सेकंड पार्ट था कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंटिलेशन काउंटर। जो लास्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप इसका है, वो है काउंटर और स्केलर, ये थर्ड यूनिट है, मींस फर्स्ट यूनिट सिंटिलेटर, सेकंड यूनिट फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, एंड थर्ड यूनिट इज द सिंटिलेशन या स्केलर या काउंटर, जिसमें इसे मैं काउंट करूंगा। अब ये यूनिट क्या कहती है, ये यूनिट ये कहती है इस एनोड को हमें किससे कनेक्ट करना है, हाई टेंशन, और ये हाई टेंशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए,
ताकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, गैदर कर ले, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। और इस एनोड को इस हाई टेंशन की हेल्प से थ्रू दिस रेजिस्टेंस मेरे को कनेक्ट करना है, ताकि यहां पे क्या डेवलप हो, एक वोल्टेज पल्स डेवलप हो, और वो वोल्टेज पल्स इतनी डेवलप होगी यहां पर कि मेरे को उसको एम्पलीफाई करने की जरूरत नहीं है, एम्पलीफायर लगाने की जरूरत नहीं है, मैं उसको डायरेक्टली काउंट कर दूंगा स्केलर की हेल्प से या काउंटर की हेल्प से। मींस तो हमने इसकी कंस्ट्रक्शन को तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, नंबर वन सिंटिलेटर, नंबर टू फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, एंड नंबर थ्री इज द स्केलर। ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है। तो अब मैं कंस्ट्रक्शन पार्ट को इंग्लिश में अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, बताऊं आपको, तो ये लेक्चर काफी लेंथी बन जाएगा। मींस फर्स्ट पार्ट मींस वर्क कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंटिलेशन काउंटर इज टू बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज द सिंटिलेटर, सेकंड पार्ट इज द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, एंड थर्ड पार्ट इज द स्केलर। सिंटिलेटर कंसिस्ट ऑफ ए एनी ल्यूमिनिशेंट मेटीरियल दैट इज टू बी आइदर सीजियम एंटीमनी एंड दैट इज टू बी अनक्लोज्ड इन ए एनवेलोप ऑफ द एल्यूमिनियम हुज वॉल आर टू बी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। एंड ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ द सिंटिलेशन काउंटर दैट कंसिस्ट ऑफ ए फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब एंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए consist of 10 to 14 dienodes and these dienodes are adjusted in such a way they have apply increasing positive potential and at the left end of that photomultiplier tube we have a transparent layer of cesium antimony is to be deposited and last dienode of that photomultiplier tube act as a anode and third part of that scintillation counter is scalar unit and the scalar unit is to be connected in such a way anode of the dienode is to be connected to a high positive terminal through that resistance and the voltage is to be developed across the resistance and that voltage pulse is to be counted with the help of the scalar। तो ये हमारे पास scintillation counter की construction थी। अब हम इसके working की बात करते हैं। Means जैसे ही हमने source से जो निकलने वाले alpha particles हैं, means जो radiations हैं, वो beta particle भी हो सकते हैं, वो अल्फा पार्टिकल भी हो सकते हैं। जब वो किसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे, सिंटिलेटर के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, या मैं ये कहूं कि सीजियम एंटीमनी के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, या मैं ये कहूं जिंक सल्फेट के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, या मैं ये बोलूं कि ल्यूमिनिसेंट मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, तो क्या होगा? वो जो ल्यूमिनिसेंट मटेरियल हमने इस एल्यूमिनियम के एनवेलोप के अंदर रखा हुआ है, उसके ऊपर जब ये पार्टी ये अल्फा पा हाई एनर्जेटिक पार्टिकल इंसिडेंट करेंगे, तो क्या कंडीशन एग्जिस्ट करेगी? उन रेडिएशंस को वो पार्टिकल उस ल्यूमिनिसेंट मटेरियल के एटम उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद दो ही पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेंगी कि इनकी जो एनर्जी है जो इससे निकल रहे हैं, वो एनर्जी उन जो ल्यूमिनिसेंट मटेरियल के एटम के इलेक्ट्रॉन की जो आउटरमोस्ट सेल के अंदर है, इस ल्यूमिनिसेंट मटेरियल का जो एटम है, हमें एटम की कॉन्फ़िगरेशन पता है, एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए डिफरेंट ऑर्बिट। ये लाइट रेडिएशंस, ये फ्लैशेस जब इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल, इसका मतलब ये अपनी एनर्जी किसको देंगे? इलेक्ट्रॉन्स को देंगे। तो दो ही पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेंगी, अगर इन रेडिएशंस की एनर्जी सफिशियंट है इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए, तो हमारे पास इस केस में क्या बनेंगे? आयन पेयर बनेंगे। इसका मतलब इस एटम का क्या हो गया? आयनाइजेशन हो गया।
अगर ये एनर्जी इसको आयनाइज नहीं कर पा रही तो इतना जरूर एग्जिस्ट करेगा कि ये एटम क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा ग्राउंड एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट, और ये एटम फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ ए टाइम, या मैं ये बोलू 10^-8 तक स्टे करेगा हायर एनर्जी स्टेट के अंदर, आफ्टर 10^-8 जंप बैक टू द ग्राउंड एनर्जी स्टेट, और अपने अंदर से क्या फ्लैशेस को इमिट आउट कर देगा, फोटॉन्स को इमिट आउट कर देगा। अब वो फोटोन किसके ऊपर जाकर इंसिडेंट करेंगे, क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम का एनवलप है इसका ये वाला पार्ट क्या है, ओपन है, और इस ओपन पार्ट को हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, इस फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब से कनेक्ट कर रखा है। ये वाले जो फोटोन जो इमिट हो रहे हैं सिंटिलेटर से, ये किसके ऊपर जाकर इंसिडेंट करेंगे, कैथोड ऑफ द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के ऊपर जाकर इंसिडेंट करेंगे। जब ये इस कैथोड के ऊपर जाकर इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जिस्ट करेगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है हमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि इस मटेरियल का अगर वर्क फंक्शन इसकी एनर्जी से कम है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट कर जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑटो एमिटेड, मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, व्हेन रेडिएशंस आर अलाउड टू इंसिडेंट, व्हेन फोटॉन्स आर अलाउड टू इंसिडेंट ऑन दैट कैथोड, देन फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी इजेक्टेड, और वो इजेक्ट तभी करेंगे जब इस मटेरियल का जो वर्क फंक्शन है वो क्या हो, कम हो, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसमें से इमिट आउट करेंगे। अब इसका फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिट आउट होना जब इसको स्टडी किया गया तो यहां पर एक एफिशिएंसी चेक की गई, और वो क्या एफिशिएंसी हमें मिली, जो इस फोटो कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट आउट कर रहे थे वो 20% to 30% की एफिशिएंसी से इमिट आउट कर रहे थे। मींस इस मटेरियल की जो मेरे पास कौन सा है, सीजियम एंटीमोनी ये भी हो सकता है, उसकी जो क्वांटम एफिशिएंसी है वो कितनी है, 20% to 30%। इसका क्या मतलब है, एफिशिएंसी का मतलब परसेंटेज, एफिशिएंसी को निकालने से पहले हम किसको फाइंड आउट करते हैं, फैक्टर को, जैसे हमने पैकिंग फ्रैक्शन के अंदर स्टडी किया था, पैकिंग फ्रैक्शन एफिशिएंसी को फाइंड आउट किया था, तो सबसे पहले हमें पैकिंग फ्रैक्शन फैक्टर को निकाला था, मींस कितना फैक्टर से ये वाला वॉल्यूम एटम से क्लोजली पैक है, तो फैक्टर को निकालने, फैक्टर हमेशा क्या कहता है, फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या आती है, कम आती है, और वो क्या आती है, वन, या तो वन होगी या वन से कम होगी, वन से ज्यादा नहीं हो सकती फैक्टर की वैल्यू। और फैक्टर निकालने के लिए, और मैं क्या निकाल रहा हूं, क्वांटम एफिशिएंसी, मींस इसका इलेक्ट्रॉन का इस मटेरियल से इमिट आउट होने की एफिशिएंसी निकाल रहा हूं, तो मैं क्या निकालूंगा, फैक्टर निकालूंगा, तो फैक्टर क्या होगा, नीचे मैं फैक्टर हमेशा रेशियो होती है दो टर्म्स की, और रेशियो किसकी होती है, मैं इसके ऊपर कितने इंसिडेंट करूं, इसमें से कितने इमिट आउट हुए, मींस रेशियो किसकी होगी, टोटल नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन दैट ल्यूमिनिसेंट मटेरियल, टोटल कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन मटेरियल, ये नीचे आएगा, और ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ फोटो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, कितने नंबर ऑफ फोटोन हमने इंसिडेंट किए थे, ये क्वांटम एफिशिएंसी है, ये फैक्टर है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई।
और इस केस में जो क्वांटम एफिशिएंसी आती है वो 20-30% आती है, 100% नहीं आती है। इसका मतलब अगर इसके ऊपर मैं कहूं कि 100 फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं तो यहां से ओनली 20-30 फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेंगे। अगर मैं यहां से मान के चलूं, अगर यहां से सपोज करो 2 फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहे हैं, अब इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का होगा क्या, जो मेरा फर्स्ट डायनोड है उसको मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल दे रखा है 100 वोल्ट, तो ये डायनोड जो है इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेलरेट करेगा, खींचेगा, इनको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, इनको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और कितनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हम जानते हैं एनर्जी कितनी होती है, क्यू इंटू वी, ये एनर्जी होती है। और इसके ऊपर कितना पोटेंशियल है, 100 वोल्ट पोटेंशियल है, तो कितनी एनर्जी आ जाएगी, 100 इंटू ई, इस इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएंगी। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर इंसिडेंट करेंगे इसके ऊपर, डायनोड के ऊपर, तो डायनोड के ऊपर है क्या चीज, ये डायनोड जो मेरा है उस डायनोड के ऊपर मैंने एक लेयर लगा रखी है, इसके ऊपर एक लेयर को डिपॉजिट कर रखा है, और वो लेयर उस मटेरियल की मैंने सिलेक्ट कर रखी है जिस मटेरियल का सेकेंडरी आयनाइजेशन कोफिशिएंट क्या हो, हाई हो। और वो मैंने क्या बोला था, वो सिल्वर मैग्नीशियम भी हो सकता है, वो सीजियम एंटीमनी भी हो सकता है। इसका मतलब जब ये इतनी एनर्जी से 100 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से इसके ऊपर आकर जब स्ट्राइक करेंगे तो सेकेंडरी मिशन होगा। सेकेंडरी मिशन का मतलब यहां से 2, ये कम से कम 2 को और बाहर निकालेंगे तो यहां पर कितने हो गए, 4 हो गए, कम से कम बोल रहा हूं मैं। इस यहां पर ये 2 जो हैं ये कम से कम 20-25 इमिट आउट करेंगे, क्योंकि हमें पता है सेकेंडरी मिशन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम से कम 10 से 1000 इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट कर सकता है। ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे, किधर एक्सेलरेट करेंगे, क्योंकि मैंने इस डायनोड के कंपैरिजन में इस डायनोड को कितना दे रखा है, 200 वोल्ट दे रखा है। कितने का मैंने गैप रखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये यहां से दो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हुए हैं, उनको अपनी तरफ एक्सेलरेट करेगा और अब मोर इनको और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, मोर काइनेटिक एनर्जी को ये गेन करेंगे, मोर वेलोसिटी से ये एक्सेलरेट करेंगे टुवर्ड द सेकेंड डायनोड। अब यहां पर सेकेंड डायनोड के ऊपर जाकर जब ये स्ट्राइक करेंगे तो फिर यहां पर क्या होगा, सेकेंडरी इमिशन ऑफ ए मटेरियल होगा। जब सेकेंडरी इमिशन होगा तो ये 4 कम से कम कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट आउट करेंगे, यहां से ये कम से कम यहां से ये 16 को फोटो, कम से कम मैं बोल रहा हूं, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को इमिट आउट करेंगे, यहां से 4 हैं तो कम से कम 8 को तो इमिट आउट करें ही करेंगे। अब ये एक्सेलरेटेड फोटो इलेक्ट्रॉन फिर एक्सेलरेट होंगे किसकी तरफ, डायनोड 3 की तरफ। क्यों एक्सेलरेट होंगे, क्योंकि डायनोड 3 इसके कंपेरिजन में हायर पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। जब इस मटेरियल के ऊपर आकर ये स्ट्राइक करेंगे तो फिर यहां पर क्या होगा, सेकेंडरी इमिशन होगा। अब सेकेंडरी इमिशन होगा तो यहां से और नंबर ऑफ मोर एंड मोर फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट करेंगे और ये फोटो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ एक्सेलरेट करेंगे, ये हमारे पास इस डायनोड की तरफ एक्सेलरेट करेंगे, क्योंकि इस डायनोड को मैंने क्या दे रखा है, पॉजिटिव पोटेंशियल दे रखा है। यहाँ पे सेकेंडरी इमिशन होगा और इमिशन इतना इलेक्ट्रॉन्स का होगा कि यहां पे मल्टीपल्स के अंदर चलता रहेगा, यहां से ये प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इमिट आउट करते रहेंगे। और ये कितने डायनोड्स के ऊपर ये प्रोसेस चलेगा, ये कम से कम 10-14 डायनोड्स के ऊपर ये प्रोसेस चलेगा, मीन सेकेंडरी इमिशन होगा हर डायनोड्स के ऊपर, नंबर ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट करेंगे, मीन मल्टीप्लीकेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रोसेस कितने डायनोड्स के ऊपर होगा, 10-14 डायनोड्स के ऊपर। तो जो लास्ट डायनोड होगा जिसको मैं क्या इसका नाम दे रहा हूं, एनोड का नाम दे रहा हूं, उसके ऊपर जाकर ये क्या होंगे, कोलेक्ट होंगे और इस एनोड के ऊपर जो कलेक्ट होंगे उनकी जो वैल्यू होगी वो कम से कम 10^6 इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन्स
हमारे पास मल्टीप्लीकेशन हो चुका है इलेक्ट्रॉन का, और वो मल्टीप्लीकेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि ये तो 10^6 के अंदर है, 10^6 टू 10^8 इतना होता है ये। इसका मतलब यहां पर जब इस एनोड के ऊपर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कलेक्ट होंगे, और जिसको मैंने क्या दे रखा है, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल दे रखा है, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे, तो इसका मतलब क्या, चार्ज कलेक्ट हो रहा है एनोड के ऊपर, तो यहां से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, और वो किसके अक्रॉस फ्लो करेगा, अक्रॉस थ्रू दैट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे एक वोल्टेज पल्स डेवलप होगी, और ये सारा प्रोसेस इस फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब के अंदर 10^-9 सेकेंड या मैं ये कहूं 10^6 टू 10^-6 सेकेंड टू 10^-9 सेकेंड के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज पल्स डेवलप होगी वो एक सफिशियंट एनर्जी की मीन सफिशियंट हाइट की वोल्टेज पल्स डेवलप होगी, और उस वोल्टेज पल्स को हम काउंट कर लेंगे किसकी हेल्प से, स्केलर की हेल्प से। यहां पर मेरे को कोई भी एम्पलीफायर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वेरी लार्ज हो रहा है, तो उन जो पल्स डेवलप होगी उनको एम्पलीफाई करने की जरूरत नहीं होगी, उनको हम डायरेक्टली काउंट कर लेंगे। और इस ये प्रोसेस जो हो रहा है 10^-6 सेकेंड या 10^-9 सेकेंड तक हो रहा, इसका मतलब मेरे पास ये जो सिंटिलेशन काउंटर है ये इसमें डेड टाइम अक्कर नहीं करेगा जो कि जीएम काउंटर के अंदर अक्कर कर रहा था। मेरा जीएम काउंटर 10^-4 क्योंकि उसके अंदर 10^-4 सेकेंड तक जीएम काउंटर वर्क नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसमें वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इसकी वर्किंग पार्ट था। अब हम इसकी एडवांटेज को स्टडी करें, तो इसकी फर्स्ट जो एडवांटेज है ये एक ये जो ये सिंटिलेशन काउंटर है ये फास्ट काउंटिंग रेट से अल्फा पार्टिकल को और बीटा पार्टिकल को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। मीन्स अगर मैं इसका जीएम काउंटर के कंपैरिजन में कंपैरिजन करूं तो जीएम काउंटर के अंदर तो एक डेड टाइम आ रहा था और वो 10^-4 सेकेंड था, तो 10^-4 सेकेंड मेरे पास छोटा है या बड़ा है। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन देखूं 10^-5 -4 सेकेंड और -9 सेकेंड, तो ये छोटा है ये बहुत बड़ा है फैक्टर। तो ये हमारे पास एक मोस्ट एफिशिएंट मेथड है फॉर काउंटिंग ऑफ गामा रेज के लिए। नंबर टू इसका जो एडवांटेज है, इसकी ग्रेटर स्टेबिलिटी देखी गई। इसकी जो यहां पर इनको काउंट किया गया तो हमने क्या देखा है, और हायर इसके अंदर क्या आया, मींस एफिशिएंट कितना है ये जीएम काउंटर के कंपैरिजन में, वेरी हाई है एफिशिएंट है। मींस इसकी तीन एडवांटेज बनेंगे, इसके अंदर डेड टाइम नहीं आता है नंबर वन, मींस ये जीएम काउंटर से बेटर है, इट इज बेटर देन जीएम काउंटर। नंबर टू इट इज मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर काउंटिंग ऑफ गामा रेज। नंबर थ्री ग्रेटर स्टेबिलिटी, ग्रेटर एक्यूरेसी एंड हायर एफिशिएंसी इन कंपैरिजन ऑफ जीएम काउंटर। तो ये सिंटिलेशन काउंटर था। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। मैं सिर्फ ये इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी कम्युनिटी थोड़ा इंक्रीज करे, मेरे को लाइक शेयर करने से पैसा नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं अगर तुम लाइक करोगे शेयर करोगे तो मेरे को बेटर बहुत अच्छा फील होगा। थैंक यू।